नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की कमान संभाल ली है। समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर होने वाली एक अहम बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत लगातार 3 उच्च स्तरीय बैठक करेगा जिसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और वैश्विक शांति जैसे विषयों पर गंभीर चिंतन होगा। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा परिषद की इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसी बहस पर चर्चा हो रही होगी। भारत के लिए ये एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। एशिया में भारत के बढ़ते कद की दिशा में ये एक जरूरी पड़ाव है। तो आपको बता दें कि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा परिषद के इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे और यह पहली बार होगा जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसी बहस पर चर्चा हो रही होगी। भारत के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है और एशिया में भारत के बढ़ते कद की दिशा में ये एक जरूरी पड़ाव भी है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र 17 अगस्त से होगा। नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र में जहां रोज हंगामा हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र भी काफी हंगामेदार होने की संभावना है। यह वर्ष 2021 में विधानमंडल का दूसरा सत्र होगा। इस सत्र में सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक समेत कुछ और विधेयकों को भी मानसून सत्र में पारित कराएगी। वहीं सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11 अगस्त से मानसून सत्र बुलाने का ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन विधानसभा में शोक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र के बाद से अब तक एक राज्य मंत्री समेत भाजपा के 6 विधायक दिवंगत हो चुके हैं। वहीं मानसून सत्र का विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसकी अवधि लगभग 1 हफ्ता होगी। गौरतलब है कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 18 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसमें दोनों सदनों की अंतिम बैठक 4 मार्च की हुई थी। वहीं 30 मार्च को शीतकालीन सत्र का अवसान हो गया था। तो आपको बता दें कि वर्ष 2021 में विधानमंडल का यह दूसरा सत्र होगा और इस सत्र में सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक समेत कुछ और विधेयकों को भी मानसून सत्र में पारित कराएगी। बता दें कि सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 17 अगस्त से मानसून सत्र बुलाने का यह फैसला लिया गया है और सत्र के पहले दिन विधानसभा में शोक प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र के बाद से अब तक एक राज्य मंत्री समेत भाजपा के 6 विधायक दिवंगत हो चुके हैं। मानसून सत्र का विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसकी अवधि लगभग 1 हफ्ते की होगी। गौरतलब है कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 18 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसमें दोनों सदनों की अंतिम बैठक 4 मार्च को हुई थी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा प्रिया आपको कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है मानसून सत्र की, उसको देखते हुए पूरे पूरे हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से भी हमने हाल ही में देखा था कि जो वहाँ लोकसभा का जो सत्र, राज्यसभा का जो सत्र चल रहा है, उसमें लगातार विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो कई मुद्दे हों, किसानों के मुद्दे को लेकर और किसान का मुद्दा हुआ, पेगासस जासूसी का मामला हुआ, तो केंद्र लगातार जो है वो केंद्र सरकार घिरती हुई वहां नजर आई थी। और इसकी जो मोदी, पीएम मोदी ने जो बैठक करी थी अपने अपने
नेताओं के साथ, उसमें ये बात भी रखी थी कि किसी तरह विपक्ष को रोका जाए, क्योंकि विपक्ष जो है वो सदन की कार्यवाही को ठीक तरीके से चलने नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आसार एक बार फिर नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में जिस सत्र की शुरुआत होने वाली है, तो ऐसा ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि विधानसभा की जो चुनाव है वो भी सर पर है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हालांकि यूपी में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो कोरोना की दूसरी लहर हो, उसका भी मुद्दा जो है वो विपक्ष जो है वो बना सकता है, क्योंकि दूसरी लहर कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ था उत्तर प्रदेश काफी हद तक, तो ये मुद्दा बनाया जा सकता है कहीं ना कहीं। ये जो मानसून सत्र है वो वाकई में योगी सरकार के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा साबित हो सकता है, क्योंकि इस सत्र में राज्य सरकार को घेरने के लिए अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो कई मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति बना चुकी है। बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, तो उसने अपनी घेरने की जो रणनीति है वो अभी साफ कर ली है। हालांकि किन मुद्दों पर, सबसे अहम मुद्दा जो रहेगा, अगर सबसे अहम मुद्दे की बात करें तो वो कोरोना और किसान आंदोलन जो है वो जोर पकड़ सकता है, उसकी आवाज भी बुलंद हो सकती है विपक्षियों की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से जासूसी कांड एक राष्ट्रीय मुद्दा, देश का मुद्दा था, तो वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उठा, लेकिन हो सकता है जासूसी कांड इतना मुद्दा ना बनाया जाए यहाँ पे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के जितने भी तमाम मुद्दे थे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर थी, एक तो सबसे बड़ी वजह वो विपक्ष इन सारी चीजों पे सवाल करेगा, और तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर भी हो सकता है सवाल किए जाएं, और जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा गया कि वेंटिलेटर्स जो पीजीआई में मिले वो खराब स्थिति में पाए गए, और एक गोपनीय रिपोर्ट जो भेजी जा रही थी शासन स्तर पे वो लीक हो गई, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बार फिर मुद्दा मिल गया है, और लगातार जो अभ्यर्थी जो है वो लखनऊ में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम भर्तियों को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए। प्रिया जी बिल्कुल, शहबाज जिस तरह से आपने बताया कि जासूसी कांड और कोरोना को लेकर जिस तरह से यूपी में काफी अव्यवस्थाएं दिखाई दी, और अगर बात की जाए तीसरी लहर की तो वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा है, लेकिन क्या कहना है आपका, जिस तरह से पंचायत चुनाव में हंगामा देखने को मिला और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर भी, क्या लगता है इस सत्र में इन सब के आसार भी दिखाई दे रहे हैं? प्रिया बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं देखा ये गया था कि कहीं किसी जिले की जो तस्वीरें आई तो उसमें ये देखा गया था कि कहीं डीएम और सीडीओ वीडियो जो सब जितने भी अधिकारी, तमाम बड़े अधिकारी जो चुनावी ड्यूटी में लगाए गए थे, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग करते हुए दिखाया गया, और वो पार्शियलिटी कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो इसका आरोप जो है वो विपक्ष जो है वो लगातार लगातार चला आ रहा था, और पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने तो लगातार ट्वीट पे ट्वीट करके सत्ता पर निशाना भी साधा था कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो सत्ता का दुरुपयोग करके इस चुनाव में अपनी जीत हासिल कर रही है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य के जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं धांधली का जो आरोप विपक्ष ने लगाया है, तो इसको भी मुद्दा बनाया जा सकता है, विपक्ष इसको भी एक बार मुद्दा बनाएगी, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव है वो सर पर है, तो ऐसे में विपक्ष को ये भी डर सता रहा है कि हो सकता है विधानसभा चुनाव में ऐसी दुर्व्यवस्थाएं ना हो, इसको चलते वो हो सकता है ये आवाज को बुलंद करे, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव की लगातार जो बात करते हुए विपक्ष चला आ रहा है, तो हो सकता है एक बार फिर जो है वो बात आवाज जो है वो बुलंद हो। तो कहीं ना कहीं प्रिया बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र की जो शुरुआत, मानसून सत्र का जो शुरुआत होने वाली है, वो कहीं ना कहीं काफी हंगामेदार ऐसा हो सकता है कि काफी पार्टियां हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो ये तमाम पार्टियां हैं जो सदन में घेरने की जो कोशिश है वो करेंगी, और कहीं ना कहीं योगी सरकार को गिराने की भी कोशिश करी जाएगी विधानसभा सत्र में, तो देखा जाएगा कि कैसा सत्र होने वाला है, काफी हंगामेदार सत्र होने वाला है विधानसभा का। से बताया कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, कई पार्टियां हैं जहां जो लगातार घेरने को तैयार है, लेकिन आपको बता दें कि भीम आर्मी पार्टी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी मानसून सत्र में विधानसभा का जो घेराव जरूर करेंगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रिया, जिसकी आपने बात करी भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद, जो लगातार जो है वो पिछले वर्ग की बात कर रहे हैं, वो लगातार उसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती का जो
जनाधार लगातार गिर रहा है और पिछला वर्ग से जो उनकी छूट छूट रही है, तो कहीं ना कहीं उसका वो फायदा उठाना चाहते हैं और पिछले वर्ग की आवाज को वो एक आवाज बनना चाहते हैं, एक नया आयाम पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा उत्तर प्रदेश में वो अभी लगातार अपनी जो चुनावी भूमि है उसको तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे में वो भी एक बार फिर ये दम भरते हुए नजर आएंगे कि हम भी एक मुख्य विपक्ष के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है वो लगातार आपने तमाम तरीके से देखा होगा कि वो लगातार पिछले वर्ग के लोगों की आवाज को उठाते हैं और विधानसभा सत्र में भी हो सकता है इन सारे मुद्दों पर वो अपनी आवाज बुलंद करें इनकी पार्टी की ओर से। जी शहबाज, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से संख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग की बात की जाए तो उन्होंने भी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का अब ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, क्योंकि हाल ही में ये बिल देखिए राज्य सरकार जो है वो लेकर आई है और इसकी जो पेशकश हो सकता है विधानसभा में इसको लेकर आवाज उठे और सरकार भी इसको लेकर सामने लेकर आए और इसके कसीदे पढ़े, तारीफ के कसीदे पढ़े जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो बढ़ती जनसंख्या है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये बिल जरूरी था, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस पर एक मतलब मजहब का रंग देते हुए नजर आ रहा है, तो जिस तरीके से हालांकि सरकार को इस एंगल से घेरना विपक्ष के लिए काफी मुश्किल भरा है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण जो है बिल उसकी डिमांड जो है वो काफी दिनों से थी और ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया हुआ है उत्तर प्रदेश में इस टाइम, क्योंकि लगातार प्रिया देखने को मिलता है कि लखनऊ में तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉपुलेशन की वजह से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से एक बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया आज की डेट में। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको कि 2021 में विधानमंडल का ये दूसरा सत्र होने वाला है और इस सत्र में सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक समेत कुछ और विधेयकों को भी मॉनसून सत्र में पारित कराएगी और सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 17 अगस्त से मॉनसून सत्र बुलाने का ये फैसला लिया गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में शोक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और शीतकालीन सत्र के बाद से अब तक एक राज्य मंत्री समेत भाजपा के 6 विधायक दिवंगत हो चुके हैं और मानसून सत्र का विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसकी अवधि लगभग एक हफ्ते की होगी। गौरतलब है कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 18 फरवरी से शुरू हुआ था जिसमें दोनों सदनों की अंतिम बैठक 4 मार्च को हुई थी, वहीं 30 मार्च को शीतकालीन सत्र का अवसान हो गया था। वहीं कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप थमते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने का फैसला कर लिया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षा की 50% क्षमता के साथ 15 अगस्त से माध्यमिक शिक्षा के स्कूल खोले जाएंगे और 16 अगस्त से पढ़ाई शुरू होगी। उच्च शिक्षा संस्थानों ने भी सितंबर से कक्षाएं शुरू करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में नवीन सत्र प्रारंभ करने की तैयारियां की जाए। सभी बोर्डों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित हो चुके हैं, ऐसे में स्नातक स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया 5 अगस्त से प्रारंभ कर दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में भी जिन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना है उनके दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी स्कूलों को खोल दिया जाए, क्या कुछ कहना है? जी प्रिया, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में देखा गया था कि इतनी रफ्तार पकड़ ली थी कि जिस वजह से जो स्कूल की शिक्षा थी वो काफी प्रभावित हुई और स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए, और जिसके बाद अब देखा जा रहा है कि जो लहर है कोरोना का जो प्रकोप है वो हर राज्यों में कम होता दिखाई दे रहा है। कहीं भी केस जो है एक्टिव केसों की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है, और अगर कोरोना से मुक्त जिलों की बात करी जाए तो अभी 10 से ज्यादा जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में कोरोना मुक्त हो चुके हैं और लगातार कोरोना का जो ग्राफ है उत्तर प्रदेश में वो गिरता नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हो रहा है, इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो 16 अगस्त से
पढ़ाई जो शुरू करने का फैसला लिया है, तो वो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए लिया गया है कि कोरोना के जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो प्रिया बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काफी दिनों से इस पे विचार विमर्श कर रही थी, इसको लेकर टीम 9 की बैठक भी हुई। उस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों से ये जानने की कोशिश करी कि क्या स्कूल को खोला जा सकता है। उसी बैठक में ये फैसला लेने की उम्मीद जगी थी कि हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद से स्कूल खोले जाए और अगस्त में ये स्कूल खोले जाने का फैसला लिया जा सकता था, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर फैसला ले भी लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस बैठक में फैसला लिया, उसके बाद जो है ये स्कूल जो है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से खुलने जा रहे हैं। जी शहबाज, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि जो अभिभावक हैं उनको वो कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए? बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक एक बार चिंता में है, एक तरफ तो कहीं ना कहीं उनको कोरोना कर्फ्यू का भी डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसमें इतनी ज्यादा मौतें और इतने ज्यादा आंकड़े जो बढ़ गए थे कोरोना के, तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर अभिभावकों के मन में एक डर सता रहा है कि अगर स्कूल मान लीजिए भेजते हैं तो कहाँ वहाँ पर कोरोना का कर्फ्यू का वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन होगा कि नहीं होगा, और वहाँ पर मास्क लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, सैनिटाइजर का उपयोग होगा नहीं होगा, क्योंकि एसओपी तो जारी कर दी गई है, लेकिन एक डर जो है वो सता रहा है कहीं ना कहीं अभिभावक के मन में कि इसकी देखरेख कौन करेगा, क्योंकि एसओपी प्रिया जारी कर दी जाती है लेकिन उसका गाइडलाइंस का जो पालन है वो कोई स्कूल करता नहीं देखा जाता है। तो जिस वजह बिल्कुल से ये अभिभावक के मन में एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि आखिर क्या किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर पहले की बात की जाए कोविड के टाइम में स्कूल खुला, लेकिन यही देखा गया कि किस तरह से स्कूलों में भी इसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं कोरोना प्रोटोकॉल की। बताना चाहूंगा प्रिया कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं स्कूल जब खुलते हैं तो अमूमन ये खबरें सामने आ जाती हैं कि इस स्कूल में कोरोना विस्फोट देखने को मिला, तो दूसरे स्कूल में कोरोना विस्फोट देखने को मिला, एक साथ 30 बच्चे 40 बच्चे, क्योंकि प्रिया बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि किस तरीके से सामाजिक दूरी का पालन करना है, और वहाँ पर कई तरीके की चीजें हैं, कोई पेन है, कोई किताब है, कोई कॉपी है, इस तरीके से जो बच्चे आपस में लेन देन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इतनी समझ नहीं होती है कि कोरोना को किस तरीके से दूर भगाना है या सामाजिक दूरी के किस तरीके से पालन करना है, तो ये सारी जिम्मेदारी वहाँ पे मौजूद टीचर्स की हो जाती है और अभिभावकों की हो जाती है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से समझाएं कि मास्क का कैसे उपयोग करना है और साथ ही साथ ग्लव्स का कैसे इस्तेमाल करना है और इन सारी चीजों का कैसे इस्तेमाल, सैनिटाइजर का कैसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये समझाने की बहुत जरूरत पड़ जाती है। जी जी शहबाज, सुरक्षा को देखते हुए किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं? उत्तर प्रदेश की हो गया, तो सरकार ने जब टीम 9 की बैठक में ये फैसला लिया, अधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात करी, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन्होंने कोरोना की गाइडलाइंस जो स्कूलों को फॉलो करने के लिए वो है बोल दी गई हैं। तो जिस तरीके से पहले जब स्कूल खुलने की बात हुई थी, जिस तरीके का आदेश पहले हुआ था, उसी तरीके का आदेश जो है वो स्कूलों को जारी कर दिया गया है, और हो सकता है इस बार नोडल अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जाए, क्योंकि पहले भी तमाम शिकायतें ऐसी आई थी कि स्कूलों में जो कोरोना का पालन जो है वो नहीं सही ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब स्कूल खुलते हैं तो एक आध दो दिन 3 दिन देखा जाता है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से जब चीजें समुचित ढंग से सही ढंग से चलने लगती हैं तो फिर आदमी और स्कूल प्रबंधक जितने भी होते हैं वो सब भूल जाते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज भी है, तभी ये जो कोरोना विस्फोट है वो स्कूलों में जो अचानक से देखने को मिल जाता है ये उसी की लापरवाही है। तो इस बार हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में भी स्कूल खुले प्रिया, वहां पे भी इस तरीके का जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये फैसला लिया है कि नोडल अधिकारी जो है वो जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं या माध्यमिक शिक्षा परिषद स्कूल है या कोई भी स्कूल है उस पर नजर बनाए रखे और वहां पर जाके बीच बीच में चेकिंग की जाए कि वहां पर कोरोना का गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का कुछ देखने को मिले और नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और स्कूलों में ये चेकिंग की जाए बीच बीच में, तो देखने वाली बात होगी कि प्रिया जब से स्कूल खोला जाएगा तो उसमें किस तरीके का पालन होगा ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये भी साफ हो गया है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी ज्यादा घातक साबित होने वाली है, और ऐसे में ये भी बड़ा सवाल है कि अभी बच्चों की वैक्सीन भी नहीं आई है, और ऐसे में स्कूल खोलना कितना ज्यादा बच्चों के लिए सुरक्षित होगा?
जी बिल्कुल प्रिया, बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार ट्रायल जो है अभी बच्चों की वैक्सीन का वो चली रहा है, और ये ऐसा एम्स के निदेशक ने भी बोला है कि हो सकता है अगस्त के लास्ट तक या अगस्त मिड तक जो वैक्सीन है वो बच्चों की वैक्सीन बन जाए। और क्योंकि जिस तरीके से ट्रायल हो रहा है और भारत बायोटेक जो है वो बच्चों की वैक्सीन पे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर प्रिया वैक्सीन आ जाती है और बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं अभिभावकों का भी जो डर है वो दूर हो जाएगा, और जो तीसरी लहर का जो खौफ है बच्चों को लेकर वो भी दूर हो जाएगा। क्योंकि लगातार विशेषज्ञ भी यही समझाते आ रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है तीसरी लहर। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह यही है प्रिया कि अभी बच्चों को वैक्सीन लगी नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही आ रही है, सिर्फ ये वजह ये है कि बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, इस वजह से प्रभावित सबसे ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। जी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए टीनेजर से लेकर बुजुर्गों तक वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो सुचारू रूप से सही ढंग से पूरे देश में चल रहा है, और वैक्सीनेशन ने स्पीड भी पकड़ रखी है, लेकिन बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए हम प्रभावित होते हैं और साथ में लेके जाते हैं और बच्चों के हम टच में आते हैं और बच्चों को प्रभावित कर देते हैं कोरोना से, तो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी तो बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। जी इसीलिए ये डर सता रहा है लोगों को, और कि बच्चों में ये ज्यादा प्रभावित हो सकता है, और कोई वजह नहीं है। विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि ऐसी कोई स्पेशल लहर नहीं आ रही है जो बच्चों पर असर डाल सकती है, बस ये कि बच्चों में वैक्सीनेशन का अभी कार्य जो है वो शुरू नहीं हुआ है, इस वजह से बच्चों में ज्यादा डर है कोरोना की तीसरी लहर का। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दे दिया है कि 15 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे और 16 तारीख से स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। वहीं देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें सोमवार यानी 2 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में बारिश होने की संभावना है, और इसके अलावा बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। बिहार में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक राज्य में व्यापक रूप से ज्यादा बारिश होने की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने सोमवार को राज्य में अलग अलग स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश की आशंका के चलते येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं मंगलवार और बुधवार को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना लगातार जताई जा रही है। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के थानापुरवा गांव में एक दिव्यांग युवक रोहित पाल अपने 2 बच्चों के साथ गांव के बाहर करीब 1 साल से झोपड़ी में रह रहा था। ना तो उसके पास जमीन है और ना कमाने का कोई जरिया है। वह मेहनत करके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे चला पाता है। वहीं 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते दिव्यांग के घर में पानी भर गया। बरसात हो जाने से दिव्यांग के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके चलते दिव्यांग रोहित जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन अभी तक दिव्यांग के पास कोई नहीं पहुंचा जो उसके लिए रहने या खाने की कोई व्यवस्था कर सके। वहीं गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में परीक्षा देने आई बीएससी गृह विज्ञान तृतीय वर्ष की छात्रा ने कक्षा में ही खुदकुशी कर ली। इस घटना पर 3 दिन बाद गोरखपुर पुलिस ने अपनी चुप्पी तोड़ी। चुप्पी तोड़ते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं साथ ही ये भी बताया कि इस मामले की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि उसने फांसी लगाई थी, फिर भी परिवारजनों के दबाव में हत्या का केस दर्ज कर हम सीएमओ सुधाकर पांडे की मौजूदगी में 5 पैनल टीम के साथ जांच कर रहे हैं। हत्याकांड में अब तक टोटल 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, यानी 8 गिरफ्तारी, 2 लोग कोर्ट में सरेंडर किए हैं। आज पहले से 5 लोग गिरफ्तार थे, 2 लोग कोर्ट में सरेंडर थे, पुनः आज
तीन लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। क्या कुछ सामान भी इनके बारे में? नहीं, ये अभी विवेचक से बात करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसमें तमाम लोग नामजद है उसमें हर एक व्यक्ति का अलग अलग रोल है हत्या में, तो जो हत्या में डायरेक्टली इन्वॉल्व है उन्हीं से बरामद हो पाएगा, क्योंकि उन्हीं को पता है असला कहाँ छुपा के रखे हैं या पकड़ेंगे वो। वहीं सिद्धार्थनगर के शौतरगढ़ तहसील में फरियाद लेकर पहुंचे युवक को न्यायालय जाने से रोका गया। कहासुनी के दौरान युवक पर वार किया गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक एसडीएम कोर्ट शौतरगढ़ में फरियादी एसडीएम से मिलने पहुंचा था, जिसके बाद ये विवाद हुआ। तो सिद्धार्थनगर से आपको ये खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कहासुनी के दौरान युवक पर एक वार किया गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, और इस पूरी घटना का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक एसडीएम कोर्ट शौतरगढ़ में फरियादी एसडीएम से मिलने पहुंचा था, जिसके बाद ये विवाद हुआ। तो सोशल मीडिया पे लगातार इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मामला सिद्धार्थनगर के शौतरगढ़ तहसील का है, जहां पर फरियाद लेकर पहुंचे युवक को न्यायालय जाने से रोका गया और कहासुनी के दौरान युवक पर वार किया गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, और इस विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक एसडीएम कोर्ट शौतरगढ़ में फरियादी एसडीएम से मिलने पहुंचा था, जिसके बाद ये विवाद हुआ। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर, भारत बेल्जियम का हॉकी मैच जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं हॉकी मैच, टीम और उसकी स्किल पर गर्व है, पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत बेल्जियम का हॉकी मैच जारी हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैच को देख रहे हैं। वहीं पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि टीम और उसकी स्किल पर गर्व है, भारत बेल्जियम के बीच कांटे का मुकाबला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हॉकी मैच को देख रहे हैं और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि टीम और उसकी स्किल पर उन्हें गर्व है। बड़ी खबर, भारत बेल्जियम का हॉकी मैच जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हॉकी मैच को देख रहे हैं और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि टीम और उसके स्किल पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है, भारत बेल्जियम के बीच का आज कांटे का मुकाबला है। तो बड़ी खबर, भारत बेल्जियम का हॉकी मैच जारी है और प्रधानमंत्री मोदी इस हॉकी मैच को देख रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। सिद्धार्थनगर के इंडो नेपाल बॉर्डर के पास एसएसबी और शौतरगंज पुलिस की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया है और चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को 82 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और साथ ही आरोपी को जेल भी भेज दिया है। तो सिद्धार्थनगर से खबर बता रहे, जहां पर इंडो नेपाल बॉर्डर के पास एसएसबी और शौतरगंज पुलिस की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया है और इस चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को 82 ग्राम हीरोइन के साथ में बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही आरोपी को जेल भी
भेज दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।